टिपिकल है, पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल है। अभी जैसे मैं पेंसिला की तरफ जा रहा था ना, तो मुझे यहाँ पे पीछे एक डेरा दिखाई दिया है, जैसे एक नोमेडिक जो ट्राइब होती है ना चरवाहों की, तो जैसे कश्मीर के बकरवाल्स हैं, हिमाचल में गद्दी है, उत्तराखंड में गुज्जर हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये जांस्कार में, लद्दाख में कुछ लोग हैं। लद्दाख वाली साइड इनको चांगपा बोलते हैं। तो इनके पास क्या है कि बहुत सारे पशु होते हैं जिनको ये पहाड़ों में लेके जाते हैं चराने के लिए, और वहीं पे रहते हैं, मतलब चार चार पाँच पाँच महीने एक जगह पे, या फिर मूव करते रहते हैं घास की तलाश में। तो अभी चलते हैं, मैं जाके पीछे एक दो है, एक फैमिली है, वो लोग हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये है इनका डेरा, और उस तरफ कुछ बच्चे हैं, याक के बच्चे आई थिंक, बछड़े, और यहाँ अपने जैसे गोबर के उपले बना रखे हैं, थेपड़ी छाना, और यहाँ पे क्या, झूले। कैसे हो, क्या बना रहे आप? पनीर। किसका दूध का ये? याक। याक और क्या है? नींबू के दूध है। आप किसका दूध से? कहाँ से आया? हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ ठीक। तो ये देखो धूप में बढ़िया सुखा रहे हैं याक के दूध का पनीर। जोमो के। और किसका है? जोमो के, नींबू के। जोमो क्या होता है? जोमो है। हैं? गाय। गाय? अच्छा पहाड़ी गाय आपकी, ठीक। अरे वाह, दही खाएगा? हैं? दही जरूर खाएंगे। दही खाएगा? हाँ खाएंगे। अरे वाह, तो अच्छा ऐसे बनाते पनीर आप? ये लोग याक रखते हैं? हाँ। तो इधर याक पे है। अच्छा जुमो पे है? हाँ जिमो पे है। अच्छा मतलब उनको याक के अलावा ये जुमो गिमो आप बोले, ये गाय की कैटेगरी है? हाँ आपके जो जांचकार की गाय। अच्छा अच्छा ठीक। तो आप लोग एक ही जगह पे रहते हो जैसे यहाँ पे रुके हो, या फिर यहाँ पे के ऊपर पिटते हैं? अच्छा मतलब जहाँ घास मिला वहीं। हाँ। मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद चेंज करते रहते हो? नहीं नहीं नहीं, तो इधर पिटते। अच्छा इधर बैठोगे आप कितना महीना? अभी महीना हो नहीं हुआ, एक महीना हो गया। अभी महीना हो गया तेरे? अच्छा वो होने वाला है? हाँ, होने वाला है। अच्छा तो अभी यहाँ पे आपको काफी घास है आपके याक के लिए? हाँ ठीक है सर। तो बड़े याक कहाँ के ऊपर गए हुए हैं? ऊपर है सर, पार पार में है। अच्छा पार में है। और उसके बाद भाई ये छोटे बच्चे हैं, इनको यहाँ पे रखा हुआ है? वो यहाँ पे। तो इनको दूध फिर कैसे उनको दूध खिलाते हैं? कहाँ से लाते वो दूध वाले याक वापस आते हैं? अच्छा शाम को आते हैं? रात को आता है उनका दूध, फिर आप निकालते हो उनको भी पिलाते हो? सही सही सही। तो आपका गाँव किधर है? मैं को यहाँ पे अब्राम में। अब्राम में ठीक, अब्राम में रुका मैं कल रात में। ठीक है ठीक। अच्छा फिर बर्फ गिरेगी तब आप यहाँ से नीचे चले जाएंगे? तब यहाँ सर्दी वहाँ जाकर वो तब जाएगा तब गांव में वापस। सही है सही। तो यहाँ आप क्या पनीर बनाते और क्या बनाते? पनीर। अच्छा सूखा पनीर और घी भी बनाते? घी भी बनाते है। घी होगा आपके पास? ये मेरे को मैं से थोड़ा टेस्ट करना है याक का। ठीक ठीक ठीक। तो पनीर पे टेस्ट करो पनीर। हाँ। सूखा पनीर इसको है। सूखा का ऐसे खा सकते हैं? वो सूखा अंदर है। अच्छा ठीक है, घी भी अंदर है। तो ठीक है वो थोड़ा मेरे को बहुत टेस्ट करना है। चलो फिर उधर ही कर। अच्छा उधर ही ठीक। चलो जी ये याक के बाड़े इनके। अच्छा इसके अंदर भी रहते हैं? छोटा पशु रहता है अंदर? इसके अंदर वो आदमी को बैठने का जगह। अच्छा आदमी का बैठने का? ओके। और ये बाहर है ये याक के लिए? एक सेकंड देख लेते हैं। चलो अच्छा ये फिर यहाँ से बंद कर देते हैं गेट जो है, और इधर फिर सारा जो है याक रहते हैं। और इस तरफ क्या चूल्हा,
इसमें क्या दूध गर्म करते हो? ये नहीं। अच्छा याक के लिए वो बनाते हो? हाँ, ठीक। अच्छा, याक के लिए जो दूध वाले पशु है खासकर, उनके लिए जैसे हमारे चारा बनाते हैं उसको, है ना? ये इसमें एक मिनट देख सकता हूँ मैं? अच्छा नहीं, मेरे को खाली इतना देखना है कि अंदर का कैसा है। तो ये फिर इधर जैसे याक रहते ना अंदर, ये पत्थर का देखो यार आप बनाया हुआ सेटअप पूरा, वाओ। पत्थर की दीवारें हैं, ऊपर इसके तिरपाल है, यहाँ पे चूल्हा है, और इस तरफ एक रेडियो भी है। अरे वाह, ये सोने की जगह है, ब्यूटीफुल यार। चलो जी, बहुत अच्छा है सर, मतलब कमाल। अभी चलते हैं, करते हैं याक का पनीर और घी टेस्ट। उस तरफ याक के बच्चे, आपको एक बच्चा दिखाता हूँ मैं याक का, छोटा याक, या फिर यहाँ पे पहाड़ी जो गाय हैं ऐसे होते हैं, है ना? और ये उन भाई साहब का जो सेटअप है। हेलो, दही खाएगा? हैं? दही, घी, पनीर जो भी है सब चलेगा। हाँ अच्छा, वो उसका दरवाजा अलग है, इसका अलग है? नहीं नहीं, अरे वाह, यहाँ पे भी सेम सेटअप है देखो आप, ये बनाने का। अच्छा इसमें पशु का चारा है ना? वो तो पनीर है। अच्छा इसमें? हाँ पनीर है, इसमें पनीर बनता है, देख ले, ये देखिए इसमें पनीर बन रहा है, गुड। और इसमें अच्छा सारा कुछ बनाने का सामान रखा है, सही। दही खाएगा? दही खा लेंगे। और ये वाला, अच्छा इसमें क्या दही बिलोने का है? दूध, अच्छा दही को बिलो के माखन। अच्छा माखन भी ना है। इसको एक बार बताएंगे कैसे बिलोते हो आप घुमा के? और ये पूरा ड्रम लकड़ी का है, ये देखिए टिपिकल है, पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल है। कितना कितना किलो दही होगा इसमें? किलो तीन चार पाँच किलो। अरे नहीं, पाँच क्या ज्यादा है, दो मेरे को लग रहा है कम से कम 50। मक्खन 5 किलो। अच्छा 5 किलो मक्खन निकलेगा? पनीर 5 किलो। वाह यार, लुक एट द कलर, कितना साफ है ना। और ये सारा, अच्छा ये लकड़ी का बनाया आपने? हाँ लकड़ी। और इसका ये क्या, ये पेड़ का वो है छाल? लकड़ी है। हाँ लकड़ी को रस्सी के उसमें यूज किया है जो थोड़ी नरम होती है, अपने जैसे हमारे शहतूत की लकड़ी होती है वैसे। बहुत अच्छा ये तो। और ये वाला, अच्छा ये मक्खन है? मक्खन है, तो मक्खन है येलो कलर गायों का, ये दही है। तो, अच्छा इसमें सूखा पनीर है, सही दिखाना थोड़ा सा। अच्छा ये वाला आपका रहने का है, किचन ये? अरे वाह जी वाह, ये देखिए किचन यहाँ का। और ये आपका जो चूल्हा कैसे जलता है, ये लकड़ी से? लकड़ी से, गोबर से। किसमें डालते हो लकड़ी? इसमें? अच्छा इसमें लकड़ी और फिर वो जो गोबर के उपले डालते हैं, और इस तरफ से राख निकलती है। सही बड़ा कमाल सिस्टम। और ये चिमनी है, इससे धुआं सीधा ऊपर निकल जाता है। दिस इज अमेजिंग। ये याक है कि गाय है? याक। अरे वाह, देखिए छोटा याक, क्यूट, वो भी याक है। देखिए इस तरफ भी, अब मतलब मेरे को एक्चुअल में
डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा है कि कौन से बच्चे याक के हैं, कौन से यहाँ के गाय के हैं। मेरे को सब सिमिलर लग रहे हैं, बट दे आर ब्यूटीफुल। यहाँ आराम से पानी पी रहे हैं। इनके जो बड़े याक हैं वो सब पहाड़ों में ऊपर की तरफ या फिर वो दूसरी साइड के पहाड़ों में पार की तरफ गए हुए हैं चरने के लिए। मेरा घर हरियाणा सर। हरियाणा? हाँ जी। आप साइकिल में पैदल जाएंगे? गाड़ी करके से गाड़ी पे चलते हैं? नहीं नहीं नहीं, साइकिल में जाएगा। साइकिल में? हाँ हाँ। आप कितना दिन पहुँचे? अभी मेरे को लगेगा घूमते घूमते जाऊंगा, एक महीना और लगेगा। एक चम्मच दो फे सांबा। इसमें क्या है? सत्तू। सत्तू? सत्तू। अच्छा सत्तू है? हाँ। अरे वाह। दही के साथ दादी जी ने सत्तू भी ला दिया है, तो ये समझो अपना आज का लंच हो गया है ना। वाह वाह किसे थे? कमाल। तो ये तो था इनके याक्स, गायों और खुद का डेरा। और यहाँ पे इनके एक जो रक्षक हैं वो इनके कुत्ते होते हैं। और ये देखिए जो छोटा सा अंदर बना हुआ है ना डेरा पत्थर का, इसके अंदर एक कुत्ता है। इसके अंदर जो कि यहाँ भालू वगैरह आता है ना रात को, उनसे रखवाली करता है इनकी। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा सफ़ेद कुत्ता। तो इसका पत्थर से ये डेरा बनाया हुआ है। तो इनके लिए कुत्ते सबसे ज़रूरी हैं, जो कि रात भर पूरे डेरे की रखवाली करते हैं। तो दादी जी आपका नाम क्या है? थ्रीन टोलार। और आपका उम्र कितना है? कितना साल हो गया आपको? नापचू मतलब? पचास। नहीं नहीं ज्यादा है। सही बोलेगा, मेरे को लग रहा आप कोई 100 के करीब होगा। सो मेरा दांत दांत भी गया है ना, 50 की उम्र में थोड़ी ज्यादा। 500 नहीं, आप कब भूल गए मेरे ख्याल 50 के बाद आप भूल गए होंगे। गिनना भूल गए ना? 500। चलो मैं कहता हूँ कि भगवान आपको ना ऐसे ही तगड़ा रखे, मजबूत रखे, है ना, फिट रखे। आप ऐसे ही पहाड़ चढ़ते रहो, ऐसे ही याक पालते रहो, दूध घी पनीर दही और क्या था अपना ये सत्तू खाते रहो, ठीक है? और ऐसे ही हंसते रहो, दांत की परवाह मत करना, ठीक है? keep laughing, keep smiling, है ना? तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत दही के लिए, सत्तू के लिए, ठीक है? आगे फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। झूले यहाँ सबको झूले बोल दो, झूले दादी जी की तरफ से, इन सबकी तरफ से झूले। और फिर मिलेंगे हम चलते चलते, ठीक है? ये देखो वो वाला क्या है उस तरफ, ये आई थिंक कुत्ता है, पहले देखते हैं। ये सर कुत्ता है? ओके इनका कुत्ता दिखाते हैं आपको, इनको क्या सर्दी लगती होगी। ये हैं बछड़े, है ना, याक और गायें दोनों मिक्स हैं। छोटे छोटे ओके ये याक छोटा। और यहाँ पे सफाई की आपने है, इनको कहाँ कौन से उसमें रखते हो? अंदर इनको अंदर रखते हो? ये जो है बच्चे बाहर ही रहेंगे, रात में ठंड नहीं लगती इनको। अच्छा फिर ये आपने अपने लिए बनाया हुआ है? अच्छा छत पे ये रखे हुए हैं।
झूले। सही है यार ये तो। ठीक है, ये देखो इसके चारों तरफ इतने सारे बछड़े हैं इनके पास, और इनके ये देखो शुरू से इतने इतने बाल उगने लग जाते हैं। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से इनकी जो फिजिक है वो होती है। ये देखो छोटा याक। बाकी ये इस तरफ पूरा जो घास का मैदान है इसमें सारे याक चल रहे हैं अभी। तो भी क्या है कि समर का जो टाइम है 4 महीने 5 महीने का, वो पूरा टाइम है वो जो लोग हैं उनका ऐसे ही बीतता है, किसी पहाड़ पर किसी मैदान में किसी मीडोज में जाके वो अपना एक डेरा लगा लेते हैं पत्थरों की दीवारें बना के ऊपर तिरपाल से, और फिर अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं चरने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे खेतों में घास वगैरह ज़्यादा ऐसे चारा वगैरह होता नहीं है, और सर्दियों में तो बिल्कुल कुछ नहीं होता है, तो इसलिए सर गर्मियों के टाइम में 4-5 महीने इनके पशुओं का जो पेट ऐसे ही भरते हैं ये लोग, और सर्दियों के लिए अभी से ये स्टोर करना शुरू कर देंगे जहाँ जहाँ भी इनको घास मिलता है या अपने खेतों में जो घास उगाते हैं ये।